गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड द वेरियस जनरल फीचर्स ऑफ द एल्गी। एल्गी जो है, जो प्लांट किंगडम के सबसे सिंपल मेंबर्स हैं, उनके जनरल फीचर्स को हमने स्टडी किया था। किस तरह की फॉर्म होती है, कहाँ पे उनकी अक्रेंस होती है, मीन्स कहाँ पे वो मिलते हैं, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस एल्गी की होती है, ये सभी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वेरियस क्लासेस ऑफ एल्गी। एल्गी को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। थैलोफाइटा मींस व्हिच हैव द थैलस लाइक बॉडी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स क्लियर कट नहीं दिखाई देते। हम एक एल्गी को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा उसका रूट पार्ट है, कौन सा उसका स्टेम पार्ट है और कौन सा उसका लीफ पार्ट है, क्योंकि वहां पे कोई इस तरह का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। तो जहां पे थैलस लाइक बॉडी होती है, ऐसे प्लांट्स को थैलोफाइटा बोलते हैं। तो अब जो एल्गी है उसके अंदर तीन क्लासेस आती है जिनको हमें स्टडी करना है। क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी होती है, फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी होती है, एंड रोडोफाइसी जो रेड एल्गी होती है। तो इन तीनों क्लासेस को हमें स्टडी करना वन बाय वन। क्या इनके जनरल फीचर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह की फॉर्म है, कौन से तरह के एनवायरमेंट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किस तरीके से कैरी आउट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफाइसी। That is the first class, क्लोरोफाइसी एल्गी की। अब इसमें सबसे पहले जो क्लोरोफाइसी है, the members of क्लोरोफाइसी are known as green algae. इनके members को green algae बोला जाता है। Members are known as green algae. इसके members को green algae बोला जाता है क्योंकि ये green होते हैं color में। तो क्लोरोफाइसी की बजाय जनरली ग्रीन एल्गी टर्म भी यूज कर ली जाती है। सेकेंड, अक्रेंस कहां पे ये देखने को मिलते हैं, ये जनरली सभी तरह की वॉटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे फाउंड इन फ्रेश वॉटर, ब्रैकिश वॉटर, एंड सोल्ट वॉटर। ये तीनों तरह की वॉटर बॉडीज में मिलते हैं। फ्रेश वॉटर जो मीठा पानी होता है, जिसमें सोल्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम होती है, ना के बराबर होती है। ब्रैकिश वॉटर जिसमें सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो सी वॉटर है उससे भी ज्यादा होती है, इसलिए इसको ब्रैकिश वॉटर बोलते हैं। और सोल्ट वॉटर जो सी वॉटर होता है, सी वॉटर के लिए इसको हम सी वॉटर भी बोल सकते हैं, सी वॉटर। तो ये सभी तरह के वॉटर के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो ग्रीन एल्गी फ्रेश वॉटर हो सकते हैं, फ्रेश वॉटर के अंदर मिल सकते हैं, ब्रैकिश वॉटर में हो सकते हैं और सी वॉटर के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट, अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं और मल्टी सेलुलर मेंबर भी हैं। इट इंक्लूड्स बोथ यूनिसेलुलर में, जैसे क्लेमाइडोमोनास ये एक यूनिसेलुलर एल्गा होता है। इट इंक्लूड्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एल्गी। इसमें सभी तरह की एल्गी इंक्लूड होती है, यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट थिंग, इनके अंदर जो कलर है वो ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर के लिए इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड बी। ये क्लोरोफिल के टाइप होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों टाइप के क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल है,
जितने भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए तो जरूर प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल बी एसेसरी होता है जो सिर्फ सपोर्ट करता है क्लोरोफिल ए को फोटोसिंथेसिस करने में। तो कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो सेल है जो इन एल्गी को बनाती है, उन सेल के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या साइटोप्लाज्म में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है? स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें प्लास्टिड्स की, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की। तो ये जो क्लोरोफिल है ए और बी ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स आर लोकेटेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट्स। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर इसके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी शेप कैसी होती है? तो क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग तरह की हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्कोइड, डिस्कलाइक हो सकता है, प्लेटोइड, और यू कैन से प्लेट लाइक हो सकता है। इसके अलावा कप शेप्ड हो सकता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर होता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल और रिबन शेप्ड हो सकता है एटसेट्रा, या रेटिकुलेट भी हो सकता है, एक नेटवर्क की तरह भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह की होती है। डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल जैसे रिबन होता है उसके जैसा हो सकता है। तो अलग अलग तरह की शेप क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट का जो काम है वो होता है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करना। तो जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है तो फूड प्रिपेयर होता है, और फूड जरूरी नहीं कि उतना ही प्रिपेयर हो जितनी रिक्वायरमेंट होती है। कई बार जो फूड है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उस फूड को स्टोर भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेन फूड स्टोर होता है वो स्टार्च और प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर होता है, और प्रोटीन और स्टार्च की जो फॉर्म होती है जिसकी फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं पायरोइड बॉडीज। फूड इज स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट इन द फॉर्म ऑफ पायरोइड बॉडीज। पायरोइड बॉडीज के अंदर या पायरोइड बॉडीज की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। अब कौन सा फूड स्टोर होता है पायरोइड बॉडीज, मींस पायरोइड बॉडीज बनी किस चीज की होती है? पायरोइड बॉडीज और पायरोइड बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टार्च, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों चीजें प्रेजेंट होती है पायरोइड बॉडीज के अंदर। इसके अलावा सिर्फ इसमें प्रोटीन और स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर नहीं होता, कुछ एल्गी के अंदर जो फैट है वो भी स्टोर होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। तो फूड इनके अंदर प्रोटीन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर हो सकता है। अब बात करते हैं इनके सेल के स्ट्रक्चर की, सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज। सेलुलोज और पेक्टोज की इनके अंदर सेल वॉल बनी होती है। तो जनरली ये तो हो गया वेजिटेटिव फीचर्स। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले इन मेंबर्स को यानी कि क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है।
अकरेंस ये सभी तरह के वोटर में प्रेजेंट होती है, फ्रेश वोटर, ब्रैकिस वोटर या सी वोटर। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन कलरेशन क्लोरोफिल ए और बी की वजह से होता है, यानी कि इनके अंदर ये जो प्रीडोमिनेंट या डोमिनेंट जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के हो सकते हैं, डिस्कोइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, कप शेप हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं या रिबन शेप जिसको हम बोल सकते हैं हो सकते हैं। फूड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है पायरेनोइड बॉडीज के अंदर। एक पायरेनोइड बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटीन एंड स्टार्च। कुछ एल्गी फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर करती हैं, और सेल वॉल जो इनकी सेल के जो मेम्ब्रेन के बाहर होती है वो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। सो दीज आर द जनरल फीचर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज द रिप्रोडक्शन पार्ट। इन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है? इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, मींस जो बॉडी है जब मैच्योर हो जाती है तो फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं और हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, इनके अंदर जनरली ऐसा होता है। स्पायरोगायरा या यूलोथ्रिक्स इनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सारे मेटल इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक है, फिलामेंटस है, बीच में कहीं से भी ब्रेक हो सकती है। जितने पार्ट के अंदर ही ब्रेक होते हैं, जितने भी फ्रेगमेंट बनते हैं, हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। अगर इसके तीन फ्रेगमेंट बन जाते हैं या चार फ्रेगमेंट बन जाते हैं तो हर पार्ट से एक नया जो यूलोथ्रिक्स है वो डेवलप हो जाता है। बीच वाले पार्ट से भी एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा और लास्ट वाले पार्ट से भी लॉस्ट पार्ट वापस गेन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मैच्योरिटी के टाइम पे कोई भी मेंबर जो फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और हर पार्ट से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में खुद पेरेंट एज इट इज न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स है वो इसके अंदर होते हैं जू स्पोर्स। अब ये जो जू स्पोर्स है ये प्रोड्यूस कहां पे होते हैं? जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया।
ये जूस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मींस एक स्ट्रक्चर होता है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसके अंदर ये डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको जूस स्पोरेंजिया बोलते हैं, इसके अंदर ये सारे स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो जूस स्पोर्स हैं वो कॉमन टाइप के स्पोर्स हैं, जूस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जूस स्पोर्स बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, जूस स्पोर्स बायफ्लैजिलेटेड होते हैं जर्नली, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैजेल है उसका नंबर सिर्फ दो ही नहीं होता, दो से लेकर आठ तक फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। द नंबर ऑफ फ्लैजेला मीन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर मान लो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर जूस स्पोर है तो ये इसके फ्लैजेला है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ फ्लैजेला मे बी 2 to 8, दो से लेकर आठ तक फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड दिस फ्लैजेला प्रेजेंट एट द एपिकल पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो एपिकल पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होते हैं एंड प्रेजेंट एट द एपिकल पार्ट। जो एपिकल पार्ट होता है मींस अगर ये हमारे पास एक सेल है तो एपिकल पार्ट ये है, तो सारे फ्लैजेला यहीं पे प्रेजेंट होंगे जितने भी होंगे। तो यहां पे दो से लेके आठ फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं और फ्लैजेला एपिकल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जनरली जो स्पोर होते हैं वो जूस स्पोर्स होते हैं, जूस स्पोर्स बायफ्लैजेलेटेड यानी कि मोटाइल होते हैं, जहां पे भी वो सेटल डाउन हो जाते हैं वहां से एक नया एल्गी डेवलप हो जाता है, नया एल्गा डेवलप हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस सभी तरह का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस जैसे कि स्पायरोगायरा और यूरोथ्रेक्स, इनके अंदर होता है। आइसोगैमस हो सकता है मीन्स सिमिलर टाइप के गैमेट्स बनते हैं, सिमिलर टाइप के जो गैमेट्स होते हैं या तो उनके ऊपर फ्लैजेला होगा या नहीं होगा, तो सिमिलर टाइप के गैमेट्स से रिप्रोडक्शन हो सकता है या अनआइसोगैमस हो सकता है। आइसोगैमस में क्लैमाइडोमोनास जो एल्गा वो इंक्लूड होता है, लेकिन उसके कुछ मेंबर्स अनआइसोगैमस कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। मींस क्लैमाइडोमोनास के कुछ मेंबर आइसोगैमस होते हैं तो कुछ अनआइसोगैमस होते हैं क्लैमाइडोमोनास। इसके अलावा ऊगैमस, ऊगैमस भी हो सकता है जैसे चारा के अंदर होता है, एक इसका मेंबर है CHARA चारा। तो यहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। आइसोगैमस मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब सिमिलर गैमेट्स होते हैं, अनआइसोगैमस जब डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, ऊगैमस जब फीमेल गैमेट काफी बड़े साइज का होता है और स्टेशनरी होता है, जबकि मेल गैमेट छोटे साइज का और मोटाइल होता है। तो उस तरह का इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके जो मेंबर्स हैं एग्जांपल की बात करें तो क्लैमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा, यूरोथ्रेक्स, चारा, ये सभी इसके मेंबर है। इसके अलावा इसमें कॉलोनियल फॉर्म होती है वॉल्वॉक्स, कॉलोनी की फॉर्म में सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वॉल्वॉक्स इसका मेंबर है। तो कॉलोनियल फॉर्म हो सकती है, फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है, यूनिसेल्युलर फॉर्म हो सकती है, तो किसी भी तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर क्लैमाइडोमोनास की बात की जाए तो क्लैमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये इसके फ्लैजेला होते हैं और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप का होता है। ये कप शेप का क्लोरोप्लास्ट हो गया इसके, यहाँ पे इसका जनरली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पायलोइड बॉडी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है क्लैमाइडोमोनास का। वॉल्वॉक्स की बात करें तो ये जैसे एक बोल होती है उसकी तरह होता है स्ट्रक्चर, सेल्स प्रेजेंट होती है जो आपस में कनेक्ट होती है,
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है इनका। इस तरीके से जो वॉल्स है वो कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्पायर वगैरह और यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द ग्रीन एल्गी, दैट इज द क्लोरोफाइसी। Now the next one is Phaeophysi. Phaeophysi, इसके जो मेंबर्स हैं इनको ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है। मेंबर्स आर ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी। इनके मेंबर्स को ब्राउन एल्गी बोला जाता है। अक्रेंस कहां पे ब्राउन एल्गी जनरली मिलती है? अक्रेंस तो ये जनरली ब्रैकिश वाटर और जो सोल्टी वाटर है या सी वाटर है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। जनरली फाउंड इन ब्रैकिस और सी वॉटर। फ्यू मेंबर्स यानी कि बहुत ही कम फ्यू मेंबर्स मे बी प्रेजेंट इन फ्रेश वॉटर। कुछ मेंबर है जो इसके फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये ब्रैकिश वाटर या सी वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है या हाईली ब्रांच ट्री लाइक फॉर्म ये गेन कर सकती है, और इसके अंदर कोई यूनिसेलुलर मेंबर नहीं होता। यूनिसेलुलर मेंबर इज अब्सेंट, कोई यूनिसेलुलर मेंबर नहीं होता, सारी की सारी ब्राउन एल्गी मल्टी सेलुलर होती है।